पब्लिक जनता है, वो जनता हमारे साथ में है, इसलिए संगठन से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ में, पब्लिक रोड पे आना चाहती है, पब्लिक को अब ये लॉकडाउन से परेशान हो गई है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज जिस तरीके से जो है वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से सिडको बस स्टैंड पर एक बहुत ही धरना दिया गया है कि जिस तरह से बस ट्रेनें ये जो बंद है इसको चालू किया जाए, जल्द से जो है इसको शुरू किया जाए। हमारे साथ जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के एक बड़े नेता है अमित भाऊ भूगड़, जो इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो बसेस का जो कहा गया था कि 12 अगस्त यानी कि आज जो है चालू करने का महाराष्ट्र सरकार ने किया गया था, इनके आज जो धरना दिया जा रहा है इनसे हम बात करेंगे। सर, आज जिस तरीके से कहा गया था कि 12 अगस्त को आज चालू करेंगे, आज चालू तो नहीं हुआ है ये आपको पता है, इसलिए आज आप लोगों ने धरना दिया है। सर, आपको लगता है कि वंचित के धरने से सरकार को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, 100% फर्क गिरेगा। पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक जो है, जनता है, परेशान है। ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने को मिल रहा नहीं है। दो टाइम का आप देख रहे हैं, आपने भी बहुत काफ़ी शूट किए होंगे कि लोगों का जनजीवन सब विस्कृत हुआ है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा सरकार से भी और यहाँ के सब जिला अधिकारी होंगे या सभी कि त्वरित बस और यहाँ की जो जनजीवन है वो सीधा होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि अभी ये लॉकडाउन ये ख़त्म होना चाहिए और लोगों को जो पहले जैसे लोग रहते थे उस तरह उनको उनका फ्रीडम उनको मिलना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से जो है अभी हाल ही में आपके बड़े नेता प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है यहाँ पर आकर गए हैं, उनसे जब मेरी खास बातचीत हुई उन्होंने कहा था कि 5% लोगों के लिए हम सारी जनता को परेशान नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। सर, आपको लगता है कि ट्रेनें बस चालू करने के बाद पेशेंट्स की जो तादाद अगर वो बढ़ गई तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? वैसे भी तो पेशेंट आप बोल रहे आपके हिसाब से बढ़ रहे, मगर आप जो अगर उसका निकालेंगे टक्केवारी तो मेरे एक हिसाब से कुछ भी 3-4-5 महीने में जो कोविड आया जब से कुछ भी कोविड की वजह से कुछ फ़र्क गिरे हुआ नहीं, तो ट्रेन और बस चालू होने से कुछ फ़र्क होंगे नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। इसमें तो अगर वंचित बहुजन अघाड़ी की मांग सरकार नहीं मानती आगे क्या स्टैंड करेगी आपके पास? आगे इससे बड़ा आंदोलन हमारा रहेगा, बड़ा आंदोलन आप करेंगे, फिर रोड पर रहेंगे, रोड पर करेंगे। आज सिर्फ बस स्टैंड पर कर रहे तो आज यहाँ आप लोग निवेदन देंगे, अगर वो निवेदन नहीं माना जाता है तो आप उससे बड़ा आंदोलन की तैयारी है आप लोग? हमारी तैयारी है। अच्छा, और आपके बड़े नेता कुछ आपसे फिर अटैच होंगे जैसे कि प्रकाश अम्बेडकर साहब है वो? बाबा साहब ने ये आंदोलन का भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और उन्होंने ही आदेश दिया, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन है, सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन है। हर जगह जगह पे जहाँ जहाँ बस डेपो है, जहाँ जहाँ से बस सेवा चालू होती है, हर जगह पे ये आंदोलन है। वंचित बहुजन का साथ देंगी सर, आपको लगता है इस आंदोलन के अंदर या जिसके कोई और संगठन हो? बहुत सारी संगठन है जो सपोर्ट कर रही है हमारे को, बाकी बड़ी पार्टी को और संगठन से भी ज़्यादा बात मैं कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक है, जनता है, वो जनता हमारे साथ में है, इसलिए संगठन से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ में, पब्लिक रोड पर आना चाहती है, पब्लिक को अभी ये लॉकडाउन से परेशान हो गई है, इसलिए अभी ये हम यहाँ पर छेड़ रहे हैं। चलिए, ये थे अमित भाऊ, इनसे बात करने के बाद चीज समझ में आती है। इन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस बार हमारी बात को नहीं मानती है तो इससे बड़ा आंदोलन की इनकी तैयारी है, और जैसे इन्होंने कहा है कि जो संगठन होती है सारी संगठन इनके समर्थन में, पब्लिक जनता जो है जिसका सबसे बड़ा समर्थन चाहिए, अगर आंदोलन हो या मोर्चा हो उसको अगर कामयाब बनाना है तो जनता का समर्थन चाहिए। जैसे अमित भाऊ ने कहा कि हमारे पास जनता का भी समर्थन है, संगठनों का भी समर्थन है और काफ़ी लोगों का समर्थन है। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग जो है आंदोलन छेड़ चुके हैं, जल्द से जल्द जो है जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बसेस हैं, ट्रेन हैं, सारी चीज़ों को जो है चालू किया जाए। और फिर अमित भूगड़ साहब ने, जैसे प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 5% लोगों की वजह से सारे देशवासियों को तकलीफ हम लोग नहीं दे सकते। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।